क्या आप देश और दुनिया की खबरों से रह जाते हैं बेखबर? तो सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे HT न्यूज चैनल को और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा। पुलवामा हमले के बाद पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान आया है। उन्होंने दो टूक शब्दों में कहा कि हमला करके आतंकियों ने बहुत बड़ी गलती कर दी है। वहीं CRPF की ओर से भी बयान जारी किया गया है। सितंबर 2016 में जब उरी हमला हुआ था तो उस समय भी देश में ऐसे ही गुस्से और दुख का माहौल था, लेकिन तभी एक सर्जिकल स्ट्राइक की खबर आई और फिर लोगों ने उसे पाकिस्तान को मिला करारा जवाब कहा। पुलवामा में हुए हमले के बाद माहौल उरी आतंकी हमले से भी ज्यादा भड़का हुआ है। इन सब के बीच पीएम मोदी के बयान और CRPF की ओर से हुए इस ट्वीट ने कहीं न कहीं पाकिस्तान के खिलाफ आने वाले दिनों में कड़ी कार्रवाई की तरफ इशारा कर दिया है। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुलवामा आतंकी हमले की निंदा की है। वंदे मातरम एक्सप्रेस की लॉन्चिंग पर पीएम मोदी ने कहा, पुलवामा हमले के साजिशकर्ताओं को उनके किए की सजा जरूर मिलेगी। हमारा पड़ोसी देश ये भूल रहा है ये नई नीति और नई रीति वाला भारत है। आतंकी संगठनों और उनके आकाओं ने जो हैवानियत दिखाई है उसका पूरा हिसाब किया जाएगा। साथियों, हमारा पड़ोसी देश इस समय आर्थिक बहुत बदहाली से बहुत बुरे दौर से गुजर रहा है। वह विश्व में इतना अलग थलग कर उसकी हालत इतनी खराब कर दी गई है कि बड़े बड़े देश उससे दूरी बनाने लगे हैं। उसके लिए अपना रोजमर्रा का खर्चा तक चलाना मुश्किल हो गया है। वो कटोरा लेकर के घूम रहा है, लेकिन आज दुनिया से वो आसानी से मदद भी नहीं मिल पा रही है। बदहाली के इस दौर में वो भारत पर इस तरह के हमले करके पुलवामा जैसी तबाही मचाकर वो सोचता है कि भारत भी बदहाल हो जाएगा तो हमारे उन दुश्मन हमारे पाकिस्तान के बैठे हुए लोग ये भली भांति समझ लें। आपने जो रास्ता अपनाया है आपने अपनी बर्बादी देखी है। हमने जो रास्ता अपनाया है हमारी दिन दोगुना रात चार गुना उन्नति भी दुनिया देख रही है। इस मीटिंग और पीएम मोदी के बयान के बाद CRPF की ओर से एक ट्वीट भी जारी किया गया। CRPF ने ट्वीट में कहा कि हम पुलवामा के अपने शहीदों को सलाम करते हैं और उनके परिवार के साथ खड़े हैं। इस घिनौने हमले का बदला हम लेकर रहेंगे। CRPF ने अपने ट्वीट में लिखा कि ना तो भूलेंगे और ना ही माफ करेंगे। CRPF के जिन जवानों को निशाना बनाया गया है वो सभी छुट्टी से लौट रहे थे और जम्मू से श्रीनगर जा रहे थे। उनकी मंजिल श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम में स्थित कैंप थी। जवान बस 30 किलोमीटर ही दूर थे।
कि ये हमला हो गया। पीएम मोदी ने कहा कि अगर पड़ोसी को ये लगता है कि वो भारत को अस्थिर कर सकता है तो ये उसकी सबसे बड़ी गलती है। उसके साथ ही उन्होंने बताया कि सेना और सुरक्षा बलों को सरकार की तरफ से पूरी छूट दे दी गई है और सुरक्षा बल अपने मुताबिक एक्शन ले सकते हैं। पुलवामा आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ सख्त कदम उठाया है। पाकिस्तान से मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा भी वापस ले लिया गया है। केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली ने भी कहा है कि पुलवामा हमले में पाकिस्तान का ही हाथ है। वहीं कुछ रक्षा विशेषज्ञ भी कह रहे हैं कि अब शांत बैठने की जरूरत नहीं बल्कि पाकिस्तान को जवाब देने का समय आ गया है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही कई अन्य जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ।